हाय व्यूवर्स, आज का मेरा रेसिपी है झींगे आलू के साथ मच्छी की सब्जी। तो चलिए देखते हैं कैसे ये रेसिपी इजी प्रोसेस में बनाया जाता है। आज मैं बनाऊंगी मच्छी, और मच्छी के साथ मैं झींगे और आलू भी डालूंगी। सो आज का मेरा रेसिपी होगा झींगे आलू के साथ मछली की सब्जी। पहले मैं मच्छी को धो के उसको मैरिनेट करूँगी सॉल्ट, हल्दी पाउडर, और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम लोग सब मछलियों को एक साथ सॉल्ट और हल्दी के साथ मैरिनेट करके रख देंगे। उसके बाद हम लोग जो आलू लिए थे वो हम लोग बॉईल कर लेंगे, ताकि जितने भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं वो भी खा सके ये रेसिपी। उसके बाद हम लोग गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे, हाई फ्लेम में कढ़ाई को गरम करेंगे, और कढ़ाई गरम होने के बाद हम लोग तेल ऐड करेंगे। थोड़ा और तेल ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मच्छी फ्राई करेंगे हम लोग, और मच्छी फ्राई करने के लिए थोड़ा सा तेल से नहीं चलता है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा तेल लेंगे। फिर तेल को फिर से गर्म करेंगे और धीरे धीरे एक एक करके मछली को छोड़ेंगे उस गर्म तेल में। एक टिप्स देती हूँ यहाँ पे, गरम तेल में अगर हम लोग मच्छी छोड़ेंगे तो मच्छी लगेगा नहीं कढ़ाई पे, लेकिन अगर हम लोग ठंडे तेल में ही मच्छी छोड़ेंगे तो लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हम लोग कढ़ाई और तेल अच्छी तरीके से गरम करके फिर मच्छियों को हम लोग फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मच्छी के साथ दो माथा भी लाया है, लेकिन वो हम लोग नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो हम लोग लाव के साथ खाएंगे, और वो रेसिपी भी मैं डालूँगी। देखिए हम लोग दोनों साइड से अच्छी तरीके से लाल होने तक फ्राई करके फिर तेल अच्छी तरीके से छुड़वा के कढ़ाई से निकाल लेंगे। हम लोग इधर सब मांस एक साथ फ्राई नहीं कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके करिए, तब एक के साथ एक चिपकेगा नहीं और आसानी से निकल भी लेंगे हम लोग। देखिए, और दो मच्छी बाकी था वो भी हम लोग तेल में छोड़ दिया, और उसके बाद उनको भी हम लोग फ्राई कर लेंगे। लेकिन आज हम लोग सिर्फ चार ही मच्छी हम लोग बनाएंगे।
फिर से हम लोग कढ़ाई में थोड़ा सा तेल देंगे, कढ़ाई गरम करके उसमें एक चुटकी जीरा छोड़ेंगे। जीरा ब्राउन होने तक फ्राई करके उसके बाद उसमें हम लोग झींगा और आलू छोड़ेंगे, अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ा फ्राई करने के बाद हम लोग नमक ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक हम लोग को ऐड करना है। उसके बाद हल्दी भी थोड़ा ऐड करेंगे हम लोग, ताकि इसका कलर अच्छा दिखे। और उसके बाद फ्राई होने के बाद हम लोग झींगे और आलू को निकाल लेंगे कढ़ाई से। उसके बाद तेल गरम करके हम लोग प्याज 3 पीसेस में काट के ऐड करेंगे, थोड़ा चलाएंगे, थोड़ा पिंक होने तक हम लोग पकाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा लहसुन चॉप्ड किए हुए हम लोग इसको ऐड करेंगे उसमें, और उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे झींगे और आलू। उसके बाद वन टेबलस्पून आप लोग जीरा ऐड करिए, और ज़रा सा हाफ टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च उसके साथ अच्छे से इसको मिलाइए, अच्छे से फ्राई कीजिए इसको। देखिए ये ऐसा दिखेगा। उसके बाद हम लोग पानी ऐड करेंगे ताकि झींगा और आलू दोनों अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए। और उसको ढक्कन लगा देंगे। उसके बाद ढक्कन उठा के हम लोग 3 मिर्ची छोड़ेंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिला के हम लोग देखिए ऐसे मिलाएंगे। और नेक्स्टली आप लोगों को जितना पानी रखना है सब्जी में उतना ही पानी ऐड करें, क्योंकि हम लोग का इधर झींगा भी अच्छी तरीके से बॉयल हो गया और आलू भी, इसलिए हम लोग को उतना ही पानी ऐड करना है जितना हम लोगों को चाहिए होगा सब्जी में। उसके बाद एक उबाल आने तक हम लोगों को छोड़ देना है। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, मच्छी छोड़ेंगे। इसमें फ्राई किए हुए जो मछली था वो सब हम लोग इधर ऐड करके, देखिए ऐड कर दिया इधर हम मैंने सारा मछली, और बाकी जो मछली था वो सब हम लोग दाल के साथ फ्राई ऐसे ही खाएंगे, तो इसलिए मैंने इधर ऐड नहीं किया। फिर थोड़ा मिला के इसको हम लोग ढक्कन लगा देंगे। देखिए इस तरह से हम लोग ढक्कन लगा देंगे, और इसका फ्लेम कम कर देंगे ताकि ये धीमी आंच में पके। धीमी आंच में हम लोग पकाते हुए इसको 5 मिनट तक, उबाल आने तक हम लोग इसको ऐसे ही पकाएंगे, और मिडिल में एक दो बार चलाएंगे भी। उसके बाद ढक्कन उठाकर 5 मिनट बाद ढक्कन उठाएंगे और अच्छी तरीके से फिर से मिलाएंगे, ताकि सब मसाले और जो टेस्ट है मच्छियों के साथ सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। हम लोग चेक भी कर लेंगे इसी दौरान कि आलू कितना अच्छी तरीके से बॉयल हुआ है कि नहीं। अगर आलू बॉयल हो गया है तो हम लोगों का सब्जी तैयार हो गया, और अगर हम लोगों का आलू और झींगे नहीं हुआ है तैयार तो हम लोग और थोड़ा देर बॉयल करके इसको सर्विंग के लिए निकालेंगे। तो हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए प्लीज़, अगर आप लोग चाहते हैं कि
अपडेटेड रहे मेरे वीडियोस के साथ, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।